डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने मुख्य परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया, जिसके बाद बीकॉम के छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि 250 से अधिक छात्रों की एब्सेंट दर्शाई गई है, जिसको लेकर बुधवार को छात्र एक बार फिर से अपने परिणाम को सही कराने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचे। वहीं विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि बुधवार की शाम तक परिणाम को अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन छात्र धरने पर बैठे रहे। छात्रों की मांग है जल्द से जल्द हमारा परिणाम अपडेट कर दिया जाए, नहीं तो हम विश्वविद्यालय से नहीं जाने वाले। वहीं चलिए सुनते हैं विश्वविद्यालय के कंट्रोलर और छात्रों को। जी, मेरा नाम देवांश शर्मा है, आगरा कॉलेज का मैं छात्र हूँ, बीकॉम थर्ड ईयर का, फाइनल ईयर का। अभी हमारा एग्जाम हो चुके हैं और रिसेंटली हमारे जो एग्जाम हुए उसका रिजल्ट वैसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था, बट अभी तक उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी दो ही सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है जहाँ एक बच्चा जा सकता है अपने लिए, अपना जिसका जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है उसके लिए वो सारी चीजें पूछ ले। हम लोग कॉलेज जाते हैं, वहां से हमको भेजा जाता है यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। हमारा एक्चुअल में जो रिजल्ट था रिसेंटली अभी निकाला गया, बट उसमें जो हमारा एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट था उसमें टोटल 250 से लेकर 200 जितने भी बच्चे थे सबके एब्सेंट मार्क हुई है। तो इस वजह से कल बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उन बच्चों के इकट्ठे होने की वजह से इन लोगों ने कल अर्जेंट रिस्पॉन्स लेके वो पोर्टल बंद कर दिया। अगर वो पोर्टल बंद हो गया, इन लोगों ने कल हमको एक टाइम दिया था कि आपको शाम मैक्सिमम 9 बजे तक आपको आपका जो रिजल्ट है आपके हाथ में मिल जाएगा, आपके गूगल्स पे, क्रोम पे, आपके सब जगह अवेलेबल हो जाएगा। बट आज का दिन है, नेक्स्ट डे हो चुका है, इस टाइम पे बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं अप्रोक्स, अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं, जीरो इन लोगों का रेस्पॉन्स। उसके बाद भी अगर इन लोगों से पूछा जा रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपको 1 घंटे या 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा। ना कोई बच्चा पागल है, उसके जो पेरेंट्स इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भेज रहे हैं, ना वो पागल है, कोई भी पागल नहीं है। इतना सारा पैसा देने के बाद भी आप ये बताओ हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है इनकी साइड से। तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है हर बच्चे के पास, यूनिवर्सिटी। जब यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं करेगी बच्चा किसके पास जाएगा, बस यही बोलना चाहूंगा। यहाँ पे बैठे हर एक नाम बता दीजिए। मेरा नाम हितेंद्र सिंह है, मैं बीकॉम थर्ड ईयर का आगरा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे बैठा हर एक बच्चा जिसकी काउंसलिंग है, मेरी LLB की काउंसलिंग है, यहाँ पे बैठे BEd के बच्चों की काउंसलिंग है, किसी का कैट का पेपर है, वेब रजिस्ट्रेशन है, ये लोग कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करते। इनके कोई फॉर्मल तो लैंग्वेज ही नहीं है, कहते हमें फांसी पे लटका दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर नहीं, हम आज यहाँ से रिजल्ट लेकर ही जाएंगे, हमें हमारे नंबर चाहिए, एब्सेंट हटे और पोर्टल खुले, हमारा रिजल्ट आए, हम तभी इस ऑफिस के बाहर बैठेंगे, यहाँ से नहीं एग्जाम कंट्रोलर के अंदर ऑफिस के अंदर जाकर बैठे। हमारा रिजल्ट आया 3 तारीख को, जिसमें से हमारा कुछ बच्चों का जिन्होंने न्यूमेरिकल ले रखा था वो रिजल्ट नहीं निकला। हमने कुछ टाइम वेट किया, फिर वेट करने के बाद सर से कॉलेज से भी जाके मिले, कॉलेज वालों ने बोला कि वेट कर लो आ जाएगा। आने के बाद हमारे जो जितने भी अटेम्प्ट थे, एडमिशन थे, वो सारे निकलते जा रहे थे। हमने यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, उन्होंने बोला कि अब भाई अपनी अटेंडेंस शीट ला के दीजिए। हमने अटेंडेंस शीट ली, एप्लीकेशन दी, कल हमको आश्वासन दिया गया था, इस तरीके से बोला गया था कि हमारा गोली मार देना, कि हमारे 7 बजे तक अगर रिजल्ट ना आए तो हमें गोली मार देना, फांसी पर लटका देना, सबने यही बोला। लेकिन हमने तब भी तसल्ली से शांतिपूर्वक हमने वेट किया, आज हमने आके बोला है, आज कोई भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी बिल्कुल भी। आगरा कॉलेज। हमारा रिजल्ट नहीं आया है, 10 डेज हो चुके, हम जब से वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। हमारा PG का रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है, कैट एग्जाम रुका हुआ है, अभी तक कोई भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें ये रिजल्ट दे दें। हम कब से वेट कर रहे हैं, पहले उन्होंने थ्योरी का निकाला जिनका पूरा कम्प्लीट तरीके से आया नहीं है, हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का हमें फेल कर दिया गया है। पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, हम किसको क्या जवाब देंगे, सबकी फीस बढ़ चुकी है कॉलेज में, उनके कॉलेज में एडमिशन रद्द हो जाएंगे। तो हम आज अपना यहाँ से रिजल्ट लेकर जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से नहीं मिलेंगे। मेरा नाम वर्षा यादव है, मैं RVS कॉलेज से BCom थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा रिजल्ट अभी तक ओपन नहीं हुआ है। आज 10 दिन हो गए हैं और मैं 3 दिन से डेली यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, कभी इस डिपार्टमेंट में, कभी उस डिपार्टमेंट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 3 दिन से डेली ये बोला है आज शाम को 7 बजे तक आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। इस वजह से मेरी BEd की काउंसलिंग रुकी हुई है, मैं वहाँ मार्कशीट मांग रहे हैं, मेरे पास मार्कशीट नहीं है और ये लोग मेरा रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम नमन टिक्यानी है, मैं RVS में थर्ड ईयर का छात्र हूँ। 10 दिन हो गए हैं और हमारा रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। ये बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, मतलब 10 दिन में तो अगर चंद्रयान बन जाए पूरी कोशिश करी जाए, लेकिन इनका टेक्निकल इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है।
मेरा रिजल्ट जारी नहीं हुआ, मेरा अब तक खुला ही नहीं है। बार बार लिखा रहा है अनेबल टू प्रोसेस चेक अगेन लेटर, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर आए थे 2 दिन से आ रहे हैं, कल भी एक एप्लीकेशन दी है बट कुछ होता नहीं है। बहुत बार ट्राई कर लिया, अब तक रिजल्ट नहीं खुला। अब आज भी बैठे हुए हैं, आगरा कॉलेज के मोस्टली बच्चों का नहीं खुला है, पर हम भी उन्हीं के संग बैठे हुए हैं कुछ उम्मीद लेके अपनी। तकनीकी खामियां थी उसको दूर करा ली गई है और उनका रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है। कब तक देख सकते हैं बच्चे अपना रिजल्ट बीकॉम वाले? आज ही। ठीक है। और जब बीए और बीएससी के रिजल्ट की बात करें तो बीए का रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि काउंसिलिंग है 15 से बीएड? हाँ, काउंसलिंग 15 से शुरू हो रही है, उसके पहले हमारे हाउस का रिजल्ट घोषित किए जाने की योजना है, जल्दी घोषित कर रही है।